हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्चीज मेकओवर एंड ब्यूटी टिप्स, एंड मैं हूँ अर्चना। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मेकअप लुक है और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाया है गुड वाइब्स का लेवेंडर टोनर। सो ऑलरेडी इन्होंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया था, सो यहाँ पे अभी मैं टोनर लगा रही हूँ ताकि जो भी पोर्स ओपन हो चुके हैं वो मिनिमाइज हो जाए। सो उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी लोटस का मॉइस्चराइज़र, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है और ये समर के लिए बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लॉरियल पेरिस का रिवाइटलिफ क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइज। इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया मैंने और ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी इनकी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। इनकी आईब्रोज आप देख सकते हो कि बीच में से कटी हुई है, तो हम उसको प्रॉपर शेप दे देंगे गाइज। एकदम कटी हुई नहीं दिखनी चाहिए, आपको शेप देने आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, तो सेम आप यही चीज़ को फॉलो कर सकते हो। एंड गाइज, ये मेकअप लुक एक पार्टी मेकअप लुक है, आप बोल सकते हो, एक फैशन मेकअप लुक भी बोल सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैंने बताया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप लोग मेरे ऑलरेडी वीडियोज़ देखते हो तो ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसलर ले रही हूँ, जिसमें जो भी एक्स्ट्रा फॉल आउट हुए थे आईब्रोज़ के पास, तो उसको मैं अच्छे से एक आईब्रो को क्लीन आउट कर लूँगी और एक क्लीन शेप दे दूँगी। सो गाइज, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस स्टेप को आप स्किप बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लेकर अच्छे से कंसलर को ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी पैचेस हमारे आईज पर ना शो करे, तो अच्छे से हम उसको ब्लेंड कर लेंगे। एंड उसके बाद हम उसको पाउडर से सेट भी कर लेंगे ताकि कोई भी कलर हम यूज़ करें तो प्रॉपर वो पॉप आउट होके आए, एक्चुअल कलर उस फेस पे दिखाई दे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्राउन शेड, और ब्राउन शेड में आउटर कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ एंड इनर कॉर्नर तक जाऊँगी। एंड गाइज, ये होने वाला है कट क्रीज आई लुक। सो ज़्यादातर इस वीडियो में मैंने आई लुक को ही फोकस किया हुआ है, मैं यहाँ पे आई मेकअप ही बताने वाली हूँ इस वीडियो में, एंड थोड़ा बहुत आपको फेस मेकअप का भी पता चल जाएगा। तो हम एक ब्लैक कलर लेकर ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके मैंने क्रीज लाइन बना ली है। उसके बाद ये सबसे ईजिएस्ट वे है आपको आपका क्रीज क्रिएट करने के लिए, आप नीचे थोड़ा सा कंसीलर लगाओ, उसके बाद ऊपर की साइड देखो, जो भी अगर टच हो जाता है आपका कंसीलर ऊपर की साइड, जहाँ भी टच होता है वो आपकी क्रीज लाइन हो जाती है। सो उसी शेप में आपको प्रॉपर एक लाइन दे देनी है, एक आलमंड शेप दे देना है अपनी आईज को। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे पाउडर कर लूँगी कंसलर को ताकि जो भी मैं कलर यहाँ पे अप्लाई करूँ वो कंसलर के साथ चिपक ना जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे तीन कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पिंक कलर यूज़ किया है आउटर कॉर्नर पे, सबसे आउटर कॉर्नर पे है ब्लैक कलर, उसके बाद मैंने पिंक कलर यूज़ किया है और अच्छे से हम उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैंने मिडल पे अप्लाई किया है ऑरेंज कलर। सो अच्छे से हम उसको ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी लाइनिंग्स, कोई भी हार्श लाइन आईज पे ना दिखाई दे, उसको अच्छे से हमको ब्लेंड कर देना है। उसके बाद इनर कॉर्नर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ येलो कलर। सो येलो कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये वाला जो आई मेकअप लुक है ये आप अपने मेहंदी पे, हल्दी पे क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पर छोटा सा ब्रश लेकर उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि सारे कलर एक में मर्ज हो जाए। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, तो सेम आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर ले लिया है और आउटर कॉर्नर के साइड पे मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आउटर कॉर्नर पे थोड़ी सी लाइन दिख रही थी, उसको हमको ब्लेंड करना ज़रूरी है ताकि सारे कलर्स एक में ही मर्ज दिखाई दे। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी लाइनर। सो गाइज, लाइनर हम यहाँ पे विंग आईलाइनर लगाएंगे, तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता। सो हम अच्छे से यहाँ पे विंग आईलाइनर लगा लेंगे। थोड़ा आउटर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा विंग आईलाइनर लगाई है, थोड़ी मोटी रखी है आईलाइनर को, और आगे की साइड मैंने थोड़ा सा पतला लिखा करा हुआ है। आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से मैं लगा रही हूँ, तो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नीचे को जो भी फॉल आउट हो गए थे कलर्स आई शेडो के, वो मैं एक कॉटन पैड की हेल्प से उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि कोई भी अगर हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो उसमें चिपक ना जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर।
सो प्राइमर हम अच्छे से अप्लाई करेंगे, और प्राइमर लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। सो गाइज बैकग्राउंड को आप इग्नोर करना थोड़ा। तो अच्छे से हम यहाँ पे प्राइमर लगा लेंगे। सो बैकेंड में ऑलरेडी मैंने फेस मेकअप यहाँ पे कर लिया था। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर आई मेकअप पे ही फोकस किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस। उसके बाद जो क्रीज लाइन है, ये जब भी मैं कट क्रीज करती हूँ, अगर मैं ये स्टेप ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आई मेकअप थोड़ा अधूरा रह गया है। तो ये स्टेप करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आप देख सकते हो गाइस कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली आई मेकअप लग रहा है। मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये मैं किसी से इंस्पायर होके ही कर रही हूँ। जैस्मिन, आपने नाम सुना होगा जैस्मिन ब्यूटी केयर का, अपने इंस्टाग्राम पे मैं उनसे इंस्पायर होकर ये आई मेकअप मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लशर का यूज़ कर रही हूँ। सो ब्लशर थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी, बहुत ही ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। आई नो कि मैं बहुत टाइम के बाद मेकअप लुक लेकर आ रही हूँ गाइज, तो बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से मुझे नहीं टाइम मिलता बिल्कुल भी मेकअप लुक करने का, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मेकअप लुक अपलोड करने में। आप देख सकते हो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ हाइलाइटर, जो कि है आई थिंक मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर है ये। सो हम इसको जहाँ जहाँ भी मुझे हाइलाइटिंग चाहिए मैं वहाँ वहाँ पर अच्छे से हाइलाइटिंग कर लूँगी। उसके बाद अपने क्यूपिड बॉन पे करूँगी, चिन एरिया पे हाईलाइट कर लूँगी प्रॉपर, बिकॉज ये पार्ट अगर हमने नहीं किया ना तो आपका मेकअप बिल्कुल ही अधूरा होता है, थोड़ा भी नहीं बिल्कुल भी अधूरा होता है। सो हाइलाइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं अपना इनके ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। सो ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे न्यूड लिपस्टिक। सो मैं यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि ये आई मेकअप ऐसा है कि इसमें न्यूड लिपस्टिक ही अच्छी लगेगी। अगर आप डार्क लिपस्टिक लगाते हो तो मे बी शायद रेड अगर अच्छा लगे, बट मुझे ये न्यूड लिपस्टिक इसमें लगाना था, सो इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और ये मेकअप पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज ये रहा फाइनल लुक।